दोस्तों, हमारे समाज में मामा का जो रिश्ता होता है वो इतना पावन होता है कि उपाधि देने वाले इसे दो माँ से जोड़कर देखने लगते हैं। और जब किसी बच्चे का जन्म होता है तब कोई माँ बाप के बाद सबसे ज्यादा खुश होता है तो वो होता है मामा। आज से ठीक 24 साल पहले जब बलिराम पैदा हुआ था तब नंदू को कहाँ पता था कि उसकी मौत का कारण वही बनेगा। नंदू को कहाँ पता था कि जिस पत्नी के साथ उसने सपने देखे हैं, साथ फेरा लिया है, वही एक दिन उसके विश्वास, उसके रिश्तों को कलंकित करते हुए उसे मौत की नींद सुला देगी। देखिए ये रिश्तों की कत्ल का दिल दहलाने वाली रिपोर्ट। कुशीनगर के जटाह बाजार में अपने ससुराल आए पडरौना कोतवाली क्षेत्र के रामधाम जंगल विष्णुपुरा के रहने वाले नंदू गुप्ता का उसी की पत्नी ज्योति और भांजा बलिराम ने चाकू और बकुआ से गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी। आपको बता दें कि नंदू उर्फ सुग्गा गुप्ता रविवार को अपनी पत्नी ज्योति को लेकर ससुराल जटाह बाजार गया था। खाना खाने के बाद पत्नी ने रात्रि में अचानक टहलने के लिए जिद की। सोमवार रात ज्योति पति को टहलने के बहाने साथ लेकर बाहर गई। वहां उसके प्रेमी बलिराम पहले से मौजूद थे। वहीं दोनों ने चाकू बाकी से गला रेत कर उनकी हत्या कर दी। इसके बाद दोनों को उसके जिंदा होने का शक हुआ तो चाकू बकुआ से शरीर के अन्य हिस्सों पर ताबड़तोड़ वार कर शव को शत विशत कर लिया गया। शरीर के कुछ अंगों को काट भी दिया गया। इस दौरान पत्नी के भी हाथ जख्मी हो गए थे। हत्या के बाद खून से लथपथ प्रेमी बलिराम गांव की तरफ भागा तो ज्योति अपने घर पहुंच गई। घर पहुंचकर ज्योति ने बताया कि नंदू की चार अपरिचित व्यक्ति ने हत्या कर दी और शव को केले के खेत में फेंक दिया और वहां से वो फरार हो गए। छुड़ाते समय उसके भी हाथ जख्मी हो गए, ऐसा उन्होंने अपने परिवार वालों को बताया। परिजनों ने ये खबर मिलने के बाद तुरंत पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस बीच खून से सने बलिराम को गाँव वालों ने पकड़ लिया था। उसे पकड़कर पुलिस को सौंप दिया गया। पुलिस ने सख्ती की तो उन्होंने अपना राज खोल। ज्योति की माँ शैला देवी का रो रो का बुरा हाल। रोते रोते शैला कह रही थी कि भगवान ऐसी बेटी किसी को न दे, मैं इसका मुंह तक नहीं देखना चाहती। यदि मुझे पता होता कि ऐसी बेटी होगी तो मैं गर्भ में ही इसे मार देती, उसे इस तरह के कृत्य को अंजाम देने के लिए पैदा नहीं करती। नंदू गुप्ता के तीनों मासूम बच्चे निखिल 8 वर्ष, विकी 6 वर्ष और अंश 6 वर्ष के हैं, जो पिता की मौत के बाद और मां की जेल जाने के बाद अनाथ हो गए हैं। तीनों मासूम बच्चों की देखभाल करने वाले कोई नहीं है। तीनों अभी भी ननिहाल में हैं। पुलिस ने रात में ही घटना का त्वरित अनावरण कर दिया। वहीं महिला ने ही प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की थी, ये साबित हो चुका। तो ये खबर एक सवाल छोड़े जा रही है कि आज हम किस रिश्ते पर भरोसा कर सकते हैं? क्या उस भांजे के ऊपर जो उसके मौत का कारण बना, या अपनी पत्नी के ऊपर जो उसे मौत की नींद सुला दी? आप सतर्क रहें, हमारा प्रयास यही है, इसीलिए हमने खबर दिखाई है कि जहां भी रहें अलर्ट रहें और खुद को सुरक्षित रखें। ऐसी ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें, देखते रहें संवाददाता लाइव और कुशीनगर समाचार। मुझे दीजिए इजाजत।